सभी को मेरा जय हिंद और वंदे मातरम। आज का वीडियो है जो अपना कलर विजन पे रहने वाला है, इसमें जो पूरी जानकारी बताऊंगा कलर विजन आपको कैसे चेक करना है, इन्हें आप घर बैठे बैठे आराम से कलर विजन चेकआउट कर सकते हो कि मेरा कलर विजन है या नहीं है। क्योंकि अजमेर सेनापति में जो ऐसे बहुत से बंदे हमें मिले हैं और हमें कॉल किया है कि ये चीज़ के जो कलर विजन में जो बहुत से बंदे हो रहे हैं सारे, जो इसमें कलर विजन में जो ये दिक्कत हो रही है ये हो रही है, तो इनको पता नहीं चलता है कि कलर विजन एक्चुअल में होता क्या है। तो आज का वीडियो स्पेशल पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ जो कलर विजन कैसे क्या चेक करना है, क्या प्रोसेस होता है और इसके क्या जो आगे उपाय है या नहीं आपको बता देता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में कोई भी दिक्कत है जरूर बताना मुझे, जिससे आपकी नई वीडियो में आपको पूरी जानकारी के साथ बता सकूँ आपको। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में आपको जो भी दिक्कत है जरूर बताना और जो बंदे चैनल को सब्सक्राइब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जहाँ आने वाली नई वीडियो जानकारी आपको मिलती रहे। चलो इस वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं आप। जय हिंद वंदे मातरम। आज का जो वीडियो स्पेशली होने वाला कलर विजन, बहुत से बंदे जो कॉल करके पूछते रहते हैं सर जो कलर विजन कैसे चेक किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है आर्मी में मेडिकल में कैसे कलर विजन चेक किया जाता है, यानी इस वीडियो के माध्यम से आप जो घर बैठे बैठे अपना आसानी से कलर विजन चेक कर सकते हैं। बहुत से जो बंदे आपको गलत गलत चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं, पर मैं आपको एक चीज़ सही जानकारी दूंगा जो आपके कलर विजन कैसे चेक किया जाता है एक्चुअल में, वो आपको तब बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप घर पे बैठे बैठे आराम से कलर विजन चेक कर सकते हैं। ऑफिशियली जानकारी बताऊंगा जो आर्मी में चेकअप किया जाता है वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जितना उसके वीडियो को शेयर करना, जितना उसके वीडियो को लाइक करना और अपने कमेंट में जो भी सुझाव है आप कमेंट जरूर करना, मैं आपके नई वीडियो आप प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी आप कमेंट करोगे उसकी नेक्स्ट वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। जितना उसके मेरे साथ शेयर करना जो भी आपके कमेंट है, और इस वीडियो को जितना उसके मेरे भाई शेयर करना, क्योंकि हर दोस्त के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्मी में बहुत से बंदे जो इस चीज़ से छट जाते हैं और लास्ट में जो एक डर बैठा रहता है, जो ब्रेदिंग ग्राउंड फिट होने के बाद भी जो वहाँ पे मेडिकल चेकअप के लिए उनके दिमाग में जो एक ही बैठा होता है कहीं कलर विजन तो नहीं हो, तो वो घर बैठे बैठे आज ही पता कर देंगे कि जो मेरे कलर विजन तो नहीं है। इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी बताने वाला हूँ, तो वीडियो जितना उसके वीडियो को लाइक करना और जितना उसके वीडियो को शेयर कर देना। गाइज जो अभी आपके सामने जो दिख रहे हैं ये इमेज में आपको कुछ दे रखा होगा, गाइज कीजिए जो इसमें क्या है मैं आपको 2 सेकंड देना चाहूँगा जिससे आपको ये पता चल सके। जैसे कि आपने जो मैच कर दिया होगा आप क्या है, ये जो एक जो हर्ट है ये दिल है, इसमें दिल बता रखा है, वैसे ही इसमें आपको बता रखा हूँ सेम वैसा ही इसमें जो दिल बता रखा है वो इसमें जो मेंशन है। ओके जो नेक्स्ट आपके जो सामने जो इमेज दिख रहा होगा इसमें आपको कुछ देखने को मिल रहा होगा, आपने ये जज कर दिया होगा इसमें क्या दे रखा। इसमें जो आपका डॉग का फोटो दे रखा है, जो इसमें कुत्ता है उसका एक फोटो दे रखा है, सेम ऐसी इमेज आपको देखने को मिलेगी वहाँ पे आर्मी मेडिकल में। और ये जो ऐसे जो अक्सर भी दे रखे होंगे कहीं कहीं, जो कहीं कहीं देते हैं जो कहीं शब्द भी देते हैं, और कहीं जो बार आपके 1, 2, 3, 4 या जो आपके 80 नंबर 10 नंबर ऐसे भी कहीं आ जाते हैं। अभी आपके सामने जो जज करोगे तो आपको जो एक पेड़ दिखेगा, पेड़ का सेम जो साइज दिखेगी इसमें, यह इसमें आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद जो आपको इमेज कीजिए इसमें क्या दे रखा है, जैसा कि आपने इमेज क्या होगा इसमें 29 और आपके इसमें 10 दे रखा है। यदि इसमें आपके सही दिख रहा है आपको एकदम करेक्ट, तो सही ये हिसाब के लिए जो आर्मी मेडिकल में लगभग फिट हो आप, यानी इसमें जो आपको बताने वाला हूँ शायद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें जो बता रहा हूँ। इसमें आपको जो देख सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है कलर विजन में इसी वर्ल्ड में, और इसी जो जो अभी दिख रहे हैं ना आइकन, इसमें बहुत ज़्यादा बंदे छट जाते हैं, इसमें ही जो बंदे बहुत ज़्यादा छटते हैं वही कारण है क्योंकि इसमें जो सही कलर पकड़ नहीं पाते वो। मेन इंपॉर्टेंट देखो सही 7 और ये आपको 9 देखने को मिलेगा, 80 ठीक है, 80 में जो आपके एक कम है और 7 और 9 देखने को मिलेगा, ये करेक्ट है। जिनके जो IQ टेस्ट जो सही है, आंखें आपके सही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आपकी, आराम से मेडिकल आप फिट हो जाओगे। दूसरा जो आपके सामने इमेज देखने को मिलेगा इसमें सेम आइकन वो देखने को मिलेगा, और इसमें जो जज करना है आपको क्या दे रखा है सेम ऐसे ही है जो मार्मो मेडिकल में आपको वहाँ पर मिलेगा देखने को, इसमें 3 दे रखा था, इसमें आप जज कीजिए। इसमें आपको जो 7 और 4 देखने को मिलेगा सेम वैसा ही आपको जो इसमें देखने को मिल रहा है, जो लगभग आर्मी मेडिकल में सेम ऐसे जो आपको पोस्टर दिखाएंगे फोटो दिखाएंगे जिससे जो बंदा कंफ्यूज हो जाए। इसमें जो आपको देखने को मिलेगा 17 IQ टेस्ट होनी और अपने IQ तेज होगी जब तक जो आपको जो कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी जो थोड़े बहुत कहीं कहीं होते हैं जो रुक जाते हैं, पर कोशिश यही करना है कि आर्मी मेडिकल दे रहे हो तो आप रुकना मत, है ना। जो आपको सही दिख रहा है एक झलक में दिख जाता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो बहुत से बंदे जो उसमें गाइज करने लगते हैं क्या वो तो नहीं है, तो ऐसी चीज़ें मत ध्यान में रखना। जो आपको दिख रहा है सेम वही बताओ, 6 दिख रहा है बिल्कुल करेक्ट है 6 है। इसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा नेक्स्ट वो आपके 74 है, 7 और 4 दे रखा है। इसके बाद आपको जो कुछ आइकन दिखेंगे ऐसे सेम वही आपको आइकन बताना है, ये गोल है और ये जैसे आयत के जैसे देर का ऐसे अलग अलग हैं। इसमें आपको 12 देखने को मिलेगा, इसमें आपको जो आइकन दिख रहा है ये जो 42 का आइकन है, 42 इसमें आइकन आपको देखने को मिल रहे हैं,
सेम ऐसे ऐसे आइकन जो आर्मी मेडिकल में चेकअप किए जाते हैं और बताए जाते हैं, वही आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आइकन में इसमें दे रखा है, दो दे रखा है, तो यानी आपके आर्मी मेडिकल में जो बंदे फिट होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, बाकी जिनको दिक्कत है और इनमें कोई दिक्कत आ रही है, कहीं कहीं आपको पकड़ने में दिक्कत आ रही है, तो ये आप आर्मी मेडिकल अनफिट हो, कलर विजन में दिक्कत आएगी आपकी। लास्ट में मेरे भाई आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपकी जो इलाज के लिए जो आप डॉक्टर से मिल जाना, यदि इसका जो संभव इलाज होता है तो आप डॉक्टर से मिल जाना, आपको पूरी जानकारी डॉक्टर बता देगा। बाकी जो किन किन बंदों के जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है तो वो इलाज मुश्किल है, संभव नहीं होता है। इसके लिए अलग अलग लेंस लगते हैं आँखों में, ऐसे जो होते हैं जिनको ये रंग पहचानने में होते हैं, तो आपका कौन सा रंग आपको नहीं दिखता है उसका जो लेंस अलग होते हैं। तो इसलिए आप जो डॉक्टर से मिल जाना उसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, आँखों के डॉक्टर से मिलना जो आपको पूरा बता देंगे कि जो कैसे कैसे प्रोसेस होता है। बाकी इसका जो अभी तक तो मुझे 100% प्रूफ नहीं मिला कि जो इसका 100% इलाज होता है, लेकिन जो बहुत से बंदे होते हैं जिनको जो ये अभी समस्या होती है, ये जो इनको पीढ़ी दर पीढ़ी ना हो कि अभी समस्या हुई है जो अपने 2-3 महीने में है, तो ये दिक्कतें होती है, तो आप डॉक्टर से जाकर मिलना, ये चीज़ आपकी संभव हो सकती है। और यदि पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी जो समस्या ये आ रही है, सभी को ये ऐसी दिक्कत है, तो मुश्किल है, इसका अभी तक जो 100% इलाज नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को जितना इसको फॉलो करना चाहिए हर दोस्त तक मिल सके, और जो आपको ये कहना चाहूँगा यदि आपको है तो आप डॉक्टर से जाके मिलना जल्दी से जल्दी, जिससे आपकी ये चीज़ कवर हो सके और जल्दी से वो आपका इलाज कर सके, ठीक है।